नमस्कार दोस्तों, मैं जी आप सबका स्वागत करता हूं गेमिंग भाई जी की एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप 5 इंडियन बस सिमुलेटर गेम्स के बारे में, जिनको आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में खेल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इन इंडियन बस सिमुलेटर गेम्स का साइज बिल्कुल छोटा छोटा सा होने वाला है, यानी कि आपके पास कम रैम वाला मोबाइल है तो उसके अंदर भी बिल्कुल लिक्विड फ्लो चलने वाले हैं, बिल्कुल लैग फ्री चलने वाला है, मतलब मजा आ जाएगा भाई। और ये जो इंडियन बस सिमुलेटर गेम्स है ना, मोस्ट अंडररेटेड बस सिमुलेटर गेम्स हैं, जिनको शायद आप लोगों ने भी ना खेला होगा। यदि आपने एक आध गेम को खेल है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता देना। इन गेम्स के अंदर आप लोगों को हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, कई प्रकार के गेम प्लेइंग मोड्स मिल जाते हैं, डे नाइट रोटेशन चलता रहता है, रियलिस्टिक फिजिक्स मिलती है, कई प्रकार की इंडियन स्टाइल की बसें मिल जाती हैं, एक आध गेम के अंदर आप लोगों को ऑफ रोड भी मिलता है, और क्या चाहिए। बाकी सब कुछ यहां बता दूंगा तो आगे क्या बताऊंगा, कुछ चीजें आगे के लिए भी रख लेते हैं। लेकिन आपको एक बात बतानी पड़ेगी कि आपने अब तक जितने भी इंडियन बस सिमुलेटर गेम्स खेले हैं उनमें से आपका फेवरेट इंडियन बस सिमुलेटर गेम कौन सा है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर शेयर करना। तो लेट्स बिगिन, शुरू कर लेते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही यदि आप अपने चैनल को स्पॉन्सर करना चाहते हो तो नीचे आप लोगों को ज्वाइन का ऑप्शन दिखाई देगा सब्सक्राइबर के पास में, वहां पर जाकर आप अपने चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप अपनी वीडियो को स्पॉन्सर कर पाओगे। भाई आपका ही चैनल, आप ही स्पॉन्सर कर लो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और अपनी गेमिंग लिस्ट पर शुरू करते हैं। पांचवें नंबर पर जो गेम आता है उसका नाम है केरला बस सिमुलेटर, और इस गेम का साइज केवल 99 MB है। साथ ही इस गेम को 4.1 रेटिंग पॉइंट्स मिले आउट ऑफ 5, जो कि बेहतरीन है, और 1,00,000 से ज्यादा बंदों ने अब तक इसको डाउनलोड किया है और खेला है। यह गेम 4 अक्टूबर 2020 को रिलीज हुआ था और इस गेम की आखिरी अपडेट 24 जनवरी 2023 को आई थी। यह एक केरला बेस्ड गेम है जिसके अंदर आप लोगों को हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आप अपने मन मुताबिक डिफिकल्टी को सिलेक्ट कर सकते हो और फिर आप अपनी बस को ड्राइव कर सकते हो। गेम प्ले के दौरान आप लोगों को रियलिस्टिक फिजिक्स देखने को मिलती है, बाकी इंडियन बस सिमुलेटर गेम्स की तरह नहीं कि थोड़ी सी बस चली और फिर हवा में उड़ गई, धरती से जुड़ के बस चलती है भाई, ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है। और दूसरा, इस गेम के अंदर हम लोगों को कैमरा एंगल्स बहुत ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं, जो गेम प्ले को बहुत ज्यादा मजेदार बना देते हैं। साथ ही इसकी फ्यूचर अपडेट में भी बहुत सारी बातें की गई हैं कि यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी जॉब मिलेंगी और जो दूसरे स्टेट हैं उनको भी ऐड कर दिया जाएगा, वो तो आने वाले टाइम पर डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा गेम है वो भी जबरदस्त है, स्पेशली इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तो इस गेम को आप जरूर ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डायरेक्ट नाम से भी सर्च कर सकते हो। जो चौथा गेम है उसका नाम है देसी सिटी बस सिमुलेटर, और इस गेम का साइज 369 MB है। साथ ही इस गेम को अब तक 4.1 रेटिंग पॉइंट्स मिले आउट ऑफ 5, जो कि ओके हैं, और साथ ही 50,000 से ज्यादा यूजर ने इसको अब तक डाउनलोड किया है और खेला है। ये एक मोस्ट अंडररेटेड इंडियन बस सिमुलेटर गेम है जो 30 दिसंबर 2022 को रिलीज हुआ था और इस गेम की आखिरी अपडेट 12 जनवरी 2023 को आई थी। इस गेम के अंदर हम लोगों को हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 3 प्रकार के मैप मिलते हैं जहां पर हम अपनी बस को ड्राइव कर सकते हैं, साथ ही यहां पर आप लोगों को इंडियन स्टाइल की बसें मिल जाती हैं जो देखने में कुछ कुछ टाटा की बसों जैसी लगती है। डे नाइट रोटेशन इस गेम के अंदर चलता रहता है, कंट्रोल बिल्कुल स्मूथ है, 3 प्रकार के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, रियल फिजिक्स इस गेम के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिलती है, ट्रैफिक सिस्टम भी इस गेम में बहुत ज्यादा अच्छा है। जब आप रेड लाइट तोड़ देते हो तो आपको वहां पर नुकसान होता है, आपका जो पॉइंट होता है वो कट कर लिया जाता है और लास्ट में आपको पेनल्टी भी लगती है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की कैमरा एंगल्स मिल जाते हैं जो इस गेम को काफी यूनिक बना देते हैं, स्पेशली जब आप इंटीरियर व्यू के साथ खेलोगे तो आप लोगों को सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पर साफ तौर पर देखने को मिल जाती हैं। एकदम से इंडियन फीलिंग आप लोगों को इस गेम को खेलते टाइम आएगी। इस गेम का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डायरेक्ट नाम से इसको भी आप सर्च कर सकते हो। तीसरे नंबर पर जो गेम आता है उसका नाम है बस सिमुलेटर इंडियन बस 3D। इस गेम का साइज मात्र 96 MB है। साथ ही इस गेम को 4.1 रेटिंग पॉइंट्स मिले आउट ऑफ 5, जो कि बेहतरीन है, और इस गेम को भी अब तक 50,000 से ज्यादा यूजर ने डाउनलोड किया है और खेला है। यह गेम 12 दिसंबर 2022 को रिलीज हुआ था और इस गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी अलग ही लेवल की है। जब आप एक बार इस गेम को खेलोगे तो फर्स्ट टाइम आप कहोगे कि इस गेम का साइज 96 MB हो ही नहीं सकता। यह भी एक मोस्ट अंडररेटेड इंडियन बस सिमुलेटर गेम है जिसके अंदर आप लोगों को कई प्रकार की बसें ड्राइव करने के लिए मिल जाती हैं। इस गेम के अंदर आप लोगों को ऑफ रोड रस्ते भी मिलते हैं जहां पर आपकी बस की ग्राफिक्स मतलब फिजिक्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है, मतलब हुचकुल्ले हवा में नहीं खाती, आपकी बस धरती से जुड़ के चलती है। यहां पर भी आप लोगों को 3 प्रकार के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कई प्रकार के कैमरा एंगल्स मिल जाते हैं, लेकिन जो ग्राफिक्स क्वालिटी है मुझे इस गेम की बहुत ज्यादा पसंद आई थी और मैंने इस गेम को पहले भी खेल रखा है। मुझे इस गेम में कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, अच्छा खासा ट्रैफिक भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है और एकदम से ऐसा लगता है जैसे हम बस सिमुलेटर इंडोनेशिया को खेल रहे हो, लेकिन ग्राफिक्स क्वालिटी फैन हूँ भाई इस गेम का। आप भी इस गेम को जरूर ट्राई कर सकते हो, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डायरेक्ट नाम से आप इसे सर्च कर सकते हो।
सेकंड नंबर पर जो गेम आता है उसका नाम है इंडियन बल सिमुलेटर गेम 3D और इस गेम का साइज मात्र 70 MB है। साथ इस गेम को 4.1 रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं जो कि बेहतरीन है और इस गेम को अब तक 10 लाख से ज्यादा यूजर ने डाउनलोड किया है और खेला है। यह गेम 26 जनवरी 2022 को रिलीज हुआ था और इस गेम की आखिरी अपडेट 25 अप्रैल 2023 को आई थी। इस गेम के अंदर भी हम लोगों को हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। यह एक हिली माउंटेन गेम है जिसके अंदर हम लोगों को HRTC की बस मिलती है। छोटे छोटे मिशन होते हैं, पैसेंजर को पिक करना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उनको छोड़ देना होता है, जिसके बदले में हम लोगों को कॉइन्स मिलते हैं और इन कॉइन्स की मदद से या तो हम नई बस परचेज कर सकते हैं या फिर अपनी बस को कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन जो रास्ते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि हिली माउंटेन रास्ते हैं, तो रास्ते में पहाड़ वगैरह भी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। कई प्रकार के कैमरा एंगल्स मिल जाते हैं जो इस गेम को काफी यूनिक बना देते हैं। जब आप इस गेम को खेलोगे तो एक बार आप लोगों को लगेगा जैसे भाई आप कोई PC गेम खेल रहे हो। जैसा ETS2 में कई बार हम HRTC का बस मोड लगाकर पहाड़ी रास्तों पर खेलते हैं ना, सेम वैसी ही फीलिंग इस गेम के अंदर आप लोगों को आएगी। ग्राफिक्स अलग ही लेवल के हैं, अल्ट्रा टाइप के ग्राफिक्स मिलते हैं। वैसे यदि आपका मोबाइल सपोर्ट करता है अल्ट्रा ग्राफिक्स को तो आप इसको खेल सकते हैं, अलग ही फीलिंग आप लोगों को वहां पर आने वाली है। बहुत ही जबरदस्त गेम है और इस डेवलपर के द्वारा बहुत सारे इंडियन बस गेम और भी बनाए गए हैं, जैसे भाई कार गेम हो गया और एक और इनका ट्रक गेम है, वो भी जबरदस्त है। इस गेम को भी आप ट्राई कर सकते हो, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डायरेक्ट नाम से भी इसे सर्च कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पर जो गेम आता है उसका नाम है इंडिया बस सिमुलेटर और इस गेम का साइज केवल 99 MB है। इस गेम को भी 4.1 रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं जो कि बेहतरीन है और 1 मिलियन से ज्यादा यूजर ने इस गेम को अब तक खेला है और डाउनलोड किया है। यह गेम 2 अगस्त 2019 को रिलीज हुआ था और इस गेम की आखिरी अपडेट 25 सितंबर 2022 को आई थी। इस गेम के अंदर हम लोगों को हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, साथ ही अच्छा खासा ट्रैफिक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडियन बेस्ड गेम है जिसके अंदर आप लोगों को केवल 2 प्रकार की बसें मिलती है, मुर्गा वुर्गा सब कुछ चीजें आप लोगों को इस गेम के अंदर देखने को मिलती है जो इंडियन लाने के लिए बहुत ज्यादा काफी है। इस गेम के अंदर आप लोगों को रियल इंडियन मेट्रो सिटीज के नाम मिल जाते हैं जिनके बीच में आप लोगों को सफर करना पड़ता है और इस गेम के अंदर आप लोगों को डे नाइट रोटेशन भी देखने को मिलता है। रास्ते में आपका जो फ्यूल होता है वो भी खत्म होता है, हालांकि ऐड देख के आप अनलिमिटेड फ्यूल ले सकते हो, लेकिन ना लो तो बढ़िया हुआ क्योंकि रियल मजा तो तभी आता है जब रास्ते में हम लोगों को फ्यूल मैनेज करना पड़ता है। कंट्रोल बिल्कुल स्मूथ है, हालांकि FPS थोड़ा सा इस गेम का बेकार है, 30 से ऊपर नहीं जाता। यदि थोड़ा सा FPS बढ़िया हो जाए तो बिल्कुल ये गेम मतलब अलग ही लेवल पर चले भाई। कंट्रोल अलग अलग टाइप के हैं, कैमरा एंगल्स में सिनेमेटिक कैमरा एंगल मेरा फेवरेट है जो कि बहुत ही जबरदस्त मुझे लगता भी है। इस गेम को आप जरूर ट्राई कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बस सिमुलेटर गेम है और इसी वजह से मैंने इस गेम को नंबर 1 पर रखा है। इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डायरेक्ट नाम से भी इसको सर्च कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये टॉप 5 बेस्ट इंडियन बस सिमुलेटर गेम पसंद आए होंगे। आपको सबसे अच्छा गेम कौन सा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना और यदि आपकी लिस्ट अलग है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमारे साथ शेयर कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर दी एंड कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।